अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। खबरदार होशियार, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले एक्शन के लिए हो जाएं तैयार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अल्टीमेटम दे दिया। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल की क्यादत में पुलिस के इंसदादी अगवा बराए तावान सेल की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कच्चा के डाकुओं की जानिब से ट्रैप किए गए लाहौर के शहरी को अगवा होने से बचा लिया। मुल्तान पुलिस इन एक्शन, थाना अल्पा और थाना बुदलासन पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब चार गैंग्स के साथ अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 57,269 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 3,913 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 42,157 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,530 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 530 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। मियांवाली थाना बांगीखेल पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 6 साल कमसिन बच्चे से ज्यादती करने वाले दो मुलजिमान धर लिए। जिन शहरियों ने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं किए वो सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के नाम आईजी पंजाब का अहम पैगाम, देखिए इस खसूसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथ मौजूद है पंजाब के ट्रैफिक के चीफ एडिशनल आईजी ट्रैफिक। हमने आपसे वादा किया था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत एनवायरनमेंट आपको देंगे लाइसेंस बनाने के लिए। पूरे पंजाब के सेंटर्स हमने ठीक कर दिए, 34 से ज्यादा कवानीन को हमने अमेंड करवाया ताकि ऑनलाइन लाइसेंस बन सके, डुप्लीकेट्स ऑनलाइन निकल सके और ई पे हो सके, न जाने क्या क्या कवानीन। उसके बैक एंड पे हम नहीं जा रहे, लोगों को फैसिलिटेट अपने कर दिया सर। हम कब दोबारा चेकिंग शुरू करेंगे और ये हम किस जगह पर मौजूद हैं अभी? सर इस वक्त हम ये शादमान, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पीछे आप शार चल रही है। जी सर, जी सर। ये ड्राइविंग स्कूल भी है, खिदमत मरकज भी है, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन, बाकी ट्रैफिक सेंटर्स भी इसी तरह होते जा रहे हैं, साफ सुथरे हमारे होते जा रहे हैं। तो फिर लाइसेंस लोग बनवा रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर? 1,24,00,000 लाइसेंसेस बने हैं। 1,24,00,000? 1,24,00,000। अच्छा। और इसके साथ साथ अब भी लाइसेंसिंग में जितनी फैसिलिटेशन है, आवाम से सिर्फ यही अब गुजारिश है कि जो हमने वो क्रैकडाउन था उसको थोड़ा सा होल्ड डाउन किया हुआ था, अब वो क्रैकडाउन ऑब्वियसली अब ये तमाम कवानीन चेंज होने के बाद, ऑनलाइन फैसिलिटेशन होने के बाद आप घर बैठे हुए डुप्लीकेट बना सकते हैं, घर बैठे हुए आप लाइसेंस जो है अपना लर्नर बनवा लेकिन सकते टेस्टिंग के लिए तो इन जगहों पे आना पड़ेगा, टेस्टिंग पे आना पड़ेगा सर, सिर्फ ये टेस्ट के लिए है। और जो वो भी चेंज कर दिया 42 दिन के अंदर 15 दिन कर दिया। जी सर, वो भी 15 दिन का कानून चेंज। लोग के खिलाफ जो खुदा ना खास्ता क्रैकडाउन का लफ्ज़ तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोगों को हम ये कह रहे हैं कि वो जरूर बनवा लेना। जी जरूर बनवाए सर। अच्छा, जो नहीं बनाएगा तो फिर क्या होगा सर? फिर शिकायत ना करें। अच्छा, तो ये पीछे अबशार है, इसको देखने का कोई टैक्स लगाया आपने? नहीं सर, बिल्कुल कोई नहीं। हमने फ्री किया अपने ट्रैफिक सेंटर्स और अपने ड्राइविंग स्कूल्स के इकट्ठे किए हुए पैसे से अपनी दफ्तर को ठीक नहीं किया, आपके बैठने की जगह ठीक की, ऐसा ही है पूरे पंजाब में आप कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर लाइसेंस बनवाइए, आपके ऊपर फर्ज है, क्योंकि हम चेकिंग करने जा रहे हैं दोबारा एक आध दिन में, इससे पहले कि दोबारा कोई बदमजगी हो, करियर खराब हो, तो अपना लाइसेंस बनवाइए, हम हाजिर हैं, बेहतरीन एनवायरमेंट जो आपसे वादा किया था, अल्लाह ताला आपका हामी बना। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की क्यादत में रहीम यार खान पुलिस के इंसदादे अगवा बराए तावान सेल ने कार्रवाई के नतीजे में कच्चा के डाकुओं की जानिब से ट्रैप किए गए शहरी को अगवा होने से बचा लिया है। कच्चा अंदरून सिंध के डाकुओं की एक और चाल को नाकाम बनाते हुए लाहौर के शहरी को अगवा होने से बचा लिया गया। डाकू लाहौर के शहरी को साइन बोर्ड लगवाने का झांसा देकर अगवा करने की कोशिश में थे। अंदरून सिंध कच्चा के अमली तौर पर नाकाम डाकुओं ने शहरी को फेसबुक के जरिए अपने जाल में फांसा था। थाना कोट सफजल पुलिस ने ASP बंगल खान बक्टी की निगरानी में अंदरून सिंध के डाकुओं की शहरी को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। अगवा होने से बचाए गए शहरी कामरान अहमद राजपूत का ताल्लुक लाहौर के मोहल्ला इस्लामाबाद बंद रोड लखोडेर से है। शहरी का पुलिस को खराज तहसीन। अब तक मुल्क भर से बचाए जाने वाले शहरियों की कुल तादाद 273 हो गई है। इस मौके पर डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ्फुज के लिए 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। पुलिस ने शहरियों को हनी ट्रैप से आगाही के लिए जिला के दाखिली खारजी रास्तों अहम शहरात पर जगह जगह बड़े साइन बोर्ड भी नसब कर रखे हैं। अवाम सोशल मीडिया के जरिए किसी पर अंधा एतमाद ना करें। अवामुन्नास किसी अनजान से किसी किस्म की डील से कबल मुकामी पुलिस से रहनुमाई हासिल करें और महफूज रहें। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस खसूसी रिपोर्ट में।
महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूरी तौर पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 200, पंजाब यूनिवर्सिटी 175 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 210 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है और इससे बचने के लिए हमें माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। मुल्तान पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। थाना अल्पा और थाना बदला सिंध पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 4 गैंग्स के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 63 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद किया गया, जिसमें मवेशी, तलाई जेवरात और घरेलू सामान शामिल हैं। सीपीओ मुल्तान की कामयाब कार्रवाइयों पर पुलिस टीमों को शाबाश। डीपीओ मियांवाली मतीउल्ला खान की खसूसी हदायत पर डीएसपी सर्कल ईसा खेल मोहम्मद इकबाल की सरबराही में एसएचओ थाना बांगी खेल सब इंस्पेक्टर अब्दुल हक और उनकी टीम ने कम सिन बच्चे से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान अमजद और वजाहत को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पर डीपीओ मियांवाली मतीउल्ला खान का कहना था कि मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। मियांवाली पुलिस बच्चों के साथ तशद्दुद और ज्यादती जैसे मुकदमात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।